नमस्कार दोस्तों, संध्या विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ साबूदाने की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस खीर को मैंने किस तरीके से बनाया है और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, तो आइए देख लेते हैं। तो साबूदाने को 2-3 पानी से धो लिया था और इसके बाद आधे घंटे हमने इसे फुला दिया है और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर ली है, बादाम, पिस्ता और काजू। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, हमने 1 किलो दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे दूध को। तो हम कढ़ाई में बना रहे हैं, आप कुकर में या भगोनी में किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कढ़ाई में ही बनाने हैं साबूदाना। और ये वाली खीर बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन मैं आज किस तरीके से बनाऊंगी आप वो देखिएगा और उसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिल्कुल खिले खिले से साबूदाना बनेंगे, बिल्कुल मोती की तरह। तो ये देखिए, दूध में हमारे 1 उबाल आ गई है, अब इसमें हमें डाल देना है अपने साबूदाने। तो हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, इसको हम डाल देंगे पूरा इसी में। तो ये देखिए किस तरीके से हमारे साबूदाना पक रहे हैं और इसी तरीके से इसे हमें चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे तले में लग सकता है। तो ये देखिए, साबूदाने को पकाते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है पकने में क्योंकि ये फूले रहते हैं पहले से ही, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए अब इसमें हमें डाल देना है शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आपको मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये हमने आधी डाल दी है और आधी अभी बचा दी है क्योंकि कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, इसलिए अब गैस को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो इसे आप व्रत में भी बना करके खा सकते हैं या कभी भी जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तब इसे बना लीजिए। और गर्मियों में तो और ही अच्छे लगते हैं, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम डाल देंगे यहीं पे अपने ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब जो भी आपको ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से। थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम डाल देंगे और इन्हें इस तरीके से हम चला लेंगे। तो ये देखिए, साबूदाने की खीर हमारी कितनी जल्दी बन गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं प्लेटिंग की तरह। ये हमारी बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।